With the solutions of April shift J mains atomic structure. So let's get started. Question number fifth is fairly simple question. Just compare the energy. हालांकि वहाँ लिखा नहीं हुआ है कि energy है, वो misprint हो गया है. Energy आपको orbitals की energy के हिसाब से चीज़ों को arrange करना है. N plus L rule आप सीधे सीधे use कर लीजिए. Option B is the correct answer. Option B is the correct answer. समझाने की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. आजकल यही क्वेश्चन का फैशन चल रहा है जेई में, यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं साई और आर और साई स्क्वायर आर ये सब के प्लॉट से. तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पाने की डेंसिटी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है. कुछ ऐसा करके प्लॉट बनाया, यहाँ से ऐसा उड़ाए और उसके बाद जैसा बनाया यहाँ से ऐसा उड़ाया फिर ये नीचे उड़ाया फिर ऐसा करके ऐसा कर दिया. यहाँ पे ए कह रहा है सी कह रहा है, ये साई वर्सेज आर का प्लॉट है. अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को पाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम शो करते हैं साई के स्क्वायर से. तो स्क्वायर हो जाएगा जब साई का, तो ये नेगेटिव वाला पॉइंट जो है वो मायने नहीं रखता. फिर तो मैग्नीट्यूड सिर्फ देखना है, क्योंकि साई का स्क्वायर जो है वो आपको प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन की. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंटाइटी यूज़ होता है वो है अपना साई का स्क्वायर. तो साई का स्क्वायर हो जाएगा. देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इतनी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इतनी है. हालांकि ये नेगेटिव है, साई का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस साई का नहीं है आपके सिलेबस में कुछ. आपको साई स्क्वायर देखना है. जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये मैग्नीट्यूड सिर्फ देखना होगा मुझे, बिकॉज साइन तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. तो इस हिसाब से यहाँ जितना प्रोबेबिलिटी है वही प्रोबेबिलिटी सी पे है. लेकिन ये जो पॉइंट बी कह रहा है, ये पॉइंट बी पे ज़ीरो प्रोबेबिलिटी है. तो इसके हिसाब से द आंसर शुड बी इन द रीजन ए एंड सी बोथ. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, इट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली. यहाँ पे साई स्क्वायर और आर का प्लॉट बनाया है. देखिए साई स्क्वायर और आर का प्लॉट, साई स्क्वायर और आर का प्लॉट. आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया, पिछली वीडियो में बताया कि साई स्क्वायर आर, हालांकि हाँ वहाँ पे एक करेक्शन था कि वहाँ पे साई स्क्वायर नहीं, मैंने साई लिख दिया था. वहाँ पे करेक्ट कर लेना, वो साई स्क्वायर का प्लॉट है. साई स्क्वायर का प्लॉट एस ऑर्बिटल के लिए ऊपर से चालू होता है, पी ऑर्बिटल के लिए ओरिजिन से स्टार्ट होता है. ये नॉर्मल सी बात है, पता होनी चाहिए बस. तो अब यहाँ पे देखो जो ग्राफ है वो स्टार्ट किया है ऊपर से, एक बार टच किया है, दूसरी बार यहाँ से सीधा पैरेलल कर दिया. एक बार टच किया हुआ है, टच किया हुआ है मतलब कि साई स्क्वायर की वैल्यू उस पॉइंट पे ज़ीरो है. साई स्क्वायर ज़ीरो है मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन भी ज़ीरो है. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़ीरो है, इसका मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है नोड. बिकॉज नोड के डेफिनेशन पे जाओ यही बात होती है. तो साई स्क्वायर इस पॉइंट पे ज़ीरो है, मतलब हमें टोटल यहाँ पे एक नोड मिल रहा है. पहले बात तो ये समझ आ गया कि ग्राफ जब ऊपर से चालू हो तो ये जो प्लॉट है ये एक एस ऑर्बिटल का प्लॉट है. दिस इज़ अ प्लॉट ऑफ एस ऑर्बिटल. अब यहाँ पे सिंस वन नोड है, अब यहाँ पे ऑप्शन में हमको घुमा दिया. देखो 2p ऑर्बिटल तो खत्म हो गया, अब हमारे पास तीन ऑप्शन है, 1s, 2s और एक दिया हुआ है 3s. तो 1s ऑर्बिटल के पास तो नो नोड आएगा, कोई भी नोड नहीं है. तो यहाँ पे तो एक नोड आ रहा है. एक नोड किसके पास होता है, 3s के पास. कितने नोड होते हैं, n माइनस वन होता है नंबर ऑफ नोड्स. तो यहाँ पे तो दो नोड होते हैं, लेकिन 2s एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसके पास कितने नोड होंगे, एक नोड. तो ये जो आंसर है ये प्लॉट बना हुआ है किसके लिए, 2s ऑर्बिटल के लिए. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आजकल यही क्वेश्चंस पूछ रहा है. जेई मेन 2020 में भी एक्सपेक्टेशन यही है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, इन्हीं प्लॉट्स में से कुछ क्वेश्चन पूछेगा. क्वेश्चन नंबर एट भी इन्हीं प्लॉट्स में से क्वेश्चन है. देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट डिस्टेंस ऑफ 2a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस. 1s ऑर्बिटल का प्लॉट है, ये मैंने पहले बना दिया साई स्क्वायर आर का, पीछे भी बनाया हुआ था. अब यहाँ पे कह रहा है कि a0 बोल्स रेडियस है, 2a0 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है. जी हाँ बिल्कुल मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं. इलेक्ट्रॉन तो इनफाइनाइट स्टेट्स तक मिल सकता है, मिल सकता है. तो ठीक है, पहला ऑप्शन तो सही नज़र आ रहा है, इनकरेक्ट बताना है हमें. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस. ठीक है, मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस बोल रहा है. एक्चुअली में यहाँ पे एकदम सही बात पे आए तो न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, न्यूक्लियस के आसपास, न्यूक्लियस के वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पाने की डेंसिटी मैक्सिमम होती है. फ्रॉम द प्लॉट यू कैन सी जब साई स्क्वायर मैक्सिमम इस पॉइंट पे है, जब आर की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है, व्हेन आर इज ऑलमोस्ट जीरो साई स्क्वायर इज मैक्सिमम.
ये हमने प्लॉट से समझ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन के पाने की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के आसपास। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज डबल दैट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से डबल होता है। अब इसमें एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ मैं, टोटल एनर्जी आपको पता है -13.6 z² / n² इसी तरह से अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 13.6 n² / z² और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो इट इज़ -27.2 n² / z² होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वैल्यूज़ है, इन दोनों का सम करूंगा ये मिलेगा, ठीक है, टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यस, मैग्नीट्यूड देखिए तो पोटेंशियल एनर्जी डबल है। ये वैल्यूज याद रखिएगा, काम आएंगी बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन तो सही है, टोटल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट डिस्टेंस ए नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस। नो, नेवर। तो ए नॉट मतलब कि सबसे पास है, जब न्यूक्लियस के करीब है तो एनर्जी मैक्सिमम होगा क्या? हो ही नहीं सकता। न्यूक्लियस के करीब है तो एन जो है वो सबसे छोटा वैल्यू दे रहा है, मतलब एन इज इक्वल्स टू वन है। एन इज इक्वल्स टू वन है मतलब ये जो वैल्यू है ये हाइएस्ट है नेगेटिव में हाइएस्ट है, मतलब लोएस्ट है। जाहिर सी बात है, जब पास है न्यूक्लियस के कौन, इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, तो एनर्जी की वैल्यू सबसे लोएस्ट होगी। तो ये उल्टा बोल रहा है, फोर्थ ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो आंसर है हमारा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 9th, लास्ट क्वेश्चन है ये अप्रैल शिफ्ट का, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो देखते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मैं सॉल्व करके बताऊंगा जिससे आपको आइडिया मिलेगा एग्जैक्टली आंसर तक कैसे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, पी मोमेंटम कह रहा है फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। पी मोमेंटम है, रेडिएटेड लाइट है लैम्डा। रेडिएटेड लाइट है लैम्डा मतलब हमने जो एनर्जी दी है वो है hc/λ। ये हमने एनर्जी दी है और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में यूज़ होती है और वर्क फंक्शन में यूज़ होती है। अब लेकिन यहाँ पे कह दिया कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा एज्यूम कर लो वर्क फंक्शन से, बहुत ज़्यादा एज्यूम कर लो मतलब कि दिस कैन अप्रॉक्सीमेटली बी रिटन एज ओनली काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ये इससे काफ़ी छोटा है। तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली रिटन एज काइनेटिक एनर्जी। अब बात ये करते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ द लाइट क्या होना चाहिए। अगर 1.5 p मोमेंटम है तो मोमेंटम ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज दिस। चलिए, तो वेवलेंथ निकालनी है लाइट की, ये पहला केस है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे लिख रहे हैं hc/λ इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन पहले डिराइव करा चुका हूँ, p² / 2m होता है। काइनेटिक एनर्जी को p² / 2m लिख सकता हूँ, ऐसा मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे दूसरी बात ये कह रहा है कि क्या रेडिएशन से इंसिडेंट करूँ कि पोटेंशियल, सॉरी, पी की वैल्यू 1.5 टाइम्स हो जाए। ओके, लेट सी, hc/λ, लैम्डा डैश मैं मान रहा हूँ जो मेरा वेवलेंथ अब मुझे फाइंड करना है, ये हो जा रहा है 1.5 का स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर बाय 2m, ऐसा कुछ हो रहा है। अब आप क्या करिए, आप कुछ मत करो, आप डिवाइड कर लो तो आपको लैम्डा नॉट मिल जाएगा। बिकॉज डिवाइड करोगे देखो, ये कटेगा, p² हटेगा, 1.5 का स्क्वायर आ रहा है, 1.5 का स्क्वायर मतलब कि लगभग 2.25 कहाँ पे मिल रहा है, 9/4 का उल्टा 4/9, हाँ ठीक है। तो लैम्डा डैश शुड बी 4/9 टाइम्स ऑफ लैम्डा इज योर आंसर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।